वो मेन एरिया जहाँ से रियल वॉक ऑफ फेम जो है स्टार्ट होती है। तो ये है हॉलीवुड का वैक्स टॉक की वीडियो बन रही है भाई। मैं डर गया एकदम से, जैसे मैंने मुंह पर उठाया मैं कहा ये क्या चल रहा है। ये है सेंट मोनिका बीच। गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हूँ मैं कैलिफोर्निया में और आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा एलए, सेंट मोनिका बीच और हॉलीवुड। अप्रूव्ड हो गया स्टार्ट। चलो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने ले ली है पार्किंग डेढ़ घंटे की, कुछ आई है $3.50। भाई गुस्से में आ गए, किसी ने पार्किंग के पैसे नहीं दिए। भाई हो जाता है, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। सेनरीटा नहीं, यहाँ पे पुलिस का काम क्या है अमेरिका में बताता हूँ सर। यहाँ पे पुलिस का काम सिर्फ एक है, जिन्होंने पार्किंग नहीं दी उनको टिकट देना और चोर को चोरी करने से ना रोकना। अच्छा, अमेरिका की पुलिस ये काम करती है। मतलब वो शरीफ लोगों को तो पकड़ लेगी, जो बदमाश इतनी चोरी कर रहे हैं वो फिर दिखा देते हैं ना 900 की चोरी नहीं की। पहले हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे स्टारबक्स पे कॉफी पीने के लिए। ये स्टारबक्स से हम लोग लेके आ गए हैं कॉफी और ये हमें पड़ी है $6.75 की। इतना शो ऑफ करोगे स्टारबक्स का भाई? स्टार आप ही पी रहे हो, मैं तो सच बताऊं तो मैं ज्यादा पीता नहीं हूँ कॉफी वगैरह। मेरी कॉफी और छीन ली। स्टारबक्स का कैसी ना, कहीं कहीं पे तो इतनी अच्छी कॉफी बना देंगे आप कहोगे यार आज से स्टारबक्स ही पीना है और कहीं की कॉफी पीनी नहीं है। बट मेरे को हमेशा मोस्टली टाइम ऐसा हुआ है कि स्टारबक्स वालों ने ना बहुत ही अजीब सी कॉफी बनाई जो पीने में टेस्ट नहीं आता। भाई वही बात है ना, महंगा लोग सोचते शो ऑफ हो जाएगा। हाँ। इसलिए मैं कभी नहीं पीता इंडिया में स्टारबक्स। अरे 800-800 रुपए की कॉफी थोड़ी ना होती है यार। एक्चुअली मैं आपकी वजह से ही पी रहा हूँ स्टारबक्स, मैं तो हमेशा मैकडोनल्ड की कॉफी पीता हूँ। मैकडोनल्ड था नहीं, और पता है हमको ना प्यास सी लग रही थी, बात तो ये थी। पता है मैकडोनल्ड की कॉफी क्या है कि $1-1.5 में आ जाती है, खराब भी हो जाए दुख नहीं होता। हाँ, और उसमें है ना फिर क्या है कि आप अपनी तरफ से एडिशनल चीजें ऐड करा सकते हो। मतलब $3 में ऐसी कॉफी बनती है कि आप कहोगे कि यार स्टारबक्स भी फेल है। बस वो है कि आपको कॉफी बनवानी आनी चाहिए, उसमें ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें कुछ कुछ डलवा लो उसके अंदर। नहीं भाई, हमने लास्ट टाइम क्या डलवाया था? कैरेमल डलवाया था हमने, स्वाद आया था। अब हम लोग दोबारा पियेंगे। तो यहाँ से जो है ना सेंट मोनिका का जो पियर है ना यहाँ से स्टार्ट होता है और ये यहाँ पर है डाउनटाउन। तो यहाँ पे डाउनटाउन में एक स्ट्रीट है, वो भी बहुत मस्त है, काफी बार वगैरह उधर खुले हुए हैं। यहाँ पे भी है देखो बार, बट ये सारा शाम के टाइम ही आप लोगों को इधर वाले एरिया में मजा आएगा। दिन के टाइम में ना यहाँ भीड़ होती है और वहाँ पे अभी इतनी ज्यादा भीड़ है ना आप लोग हैरान हो जाओगे देख के। और यहाँ पे भी है ना, जैसे आप न्यूयॉर्क में जाते हो ना तो लोग खड़े रहते हैं, कुछ ना कुछ सेल कर रहे हैं या सीडी दे रहे हैं। सीडी का स्कैम पहले मेरे साथ हो चुका है कि इन्होंने मेरे हाथ में सीढ़ी पकड़ा दी थी और फिर उसके बाद पैसे मांगने लग गए थे। अभी देखो इसको, बंदे को कुछ कुछ बोलने लग गया था वो कि उसने इसके हाथ में नहीं ली और ये बंदा भाग लिया। यहाँ पे मैं एक बार आया था कुछ 3 साल पहले और मैंने जो अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, अगर आप लोगों को रूट 66 की मेरी वीडियोस याद होंगी ना, जो कि मैंने स्टार्ट किया था शिकागो से और मैं उस पर कम से कम 25 दिन तक उसी रोड पे रहा था और फिर मैं यहाँ पहुंचा था। 66 स्टार्ट होता है शिकागो से और यहाँ पर आके खत्म होता है रूट 66। तो अभी मैं आप लोगों को साइन दिखाता हूँ जहाँ पे मैंने अपनी वीडियोस को एंड किया था। ये है वो सेंट मोनिका का रूट 66 जो कि मैंने एंड किया था। यहाँ लिखा एंड ऑफ द ट्रेल, तो ये आपको रूट खत्म हो रही है आपको। अरे नहीं, रूट 66 है ये, शिकागो से स्टार्ट होता है और ये यहाँ पे आके खत्म होता है और कुछ लोग यहाँ से चालू करते हैं और शिकागो खत्म करते हैं। तो अगर आप लोग जैसे आ रहे हो ना शिकागो से, मैं उस पे शिकागो से आ रहे हैं हम, शिकागो से आ रहे हो ना, तो एक रूट 66 का रोड है, लोग उसी पे ही रहते हैं। मैंने मेरे को जानबूझ के उससे नहीं लाए ना, मैंने आपको बोला तो था ट्रेवल करने को, आपने बोला शिकागो नहीं पसंद आया, मैं बाद में बनाऊंगा इसकी वीडियो। हाँ तो अब मैं दिखाता हूँ, ये देखो इधर आओ। तो ये भाई पूछ रहे हैं रूट 66 क्या है, तो मैं इनको रूट 66 पे लेके जाता हूँ। ये यहाँ लिखा है ना देखो एंड, यहीं पर यहाँ पे एक स्टार्टिंग का भी बोर्ड है, हमें वो ढूंढना पड़ेगा। तो सच बताऊँ ना अभी यादें ताजा हो गई हैं ये देख के और मेरा दोबारा मन कर रहा है कि मैं यहाँ से रूट 66 का है ना दोबारा करूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने ट्रैवल किया था ना मैंने किया था कोरोना वायरस के टाइम में। तो अब मैं सोच रहा हूँ यहाँ से मैं चालू करता हूँ और इसका है ना मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, जिन लोगों ने देखी होगी मेरी वो सीरीज उनको पता होगा। इसके ऊपर है ना आप लोगों को एक पासपोर्ट खरीदना होता है $15 का, मतलब नॉर्मल पासपोर्ट होता है, रूट 66 लिखा हुआ होगा, जैसे अपने इंडिया का पासपोर्ट है ना उस पर लिखा हुआ है भारत, तो इसके ऊपर रूट 66 लिखा हुआ होगा। तो आप लोग है ना जब इस पर ट्रैवल करोगे ना तो बहुत सारे अलग अलग स्टेट आते हैं, वहाँ अलग अलग शॉप है, तो उस पर आप ना स्टैंप लगवा सकते हो पासपोर्ट पे, और जब भी आप स्टैंप लगवाओगे ना तो आप लोगों को कोई ना कोई गिफ्ट मिलेगा। इस पर ना एक टास्क बन जाता है इस पर ट्रैवल करने का। तो मैं सोच रहा हूँ ये दोबारा करके एक बार आप लोगों को जो लोकेशन पिछली बार बंद थी ना कोरोना वायरस में, तो वो सारी दिखाऊं मैं आपको। यहाँ देख लो यार कितनी ज्यादा भीड़ लगी हुई है, उसका रीजन ये है कि ये है ना काफी ज्यादा पॉपुलर लोकेशन है
आपकी, अगर आप लोग एलए आते हो ना तो यहाँ पे आना बनता है। और ये जो आप एरिया देख रहे हो ना सामने फेयर्सविल, तो ये जो एम्यूजमेंट पार्क यहाँ पे बना हुआ है ना, इसकी एनर्जी बहुत ही डिफरेंट लेवल पे है। और लोग यहाँ पे स्पेशली इसलिए आते हैं फील करने के लिए, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे हॉलीवुड मूवीज में देखा है, बहुत सारे सॉन्ग में ये वाली लोकेशन देखी है। ऊपर से भैया ये जा रही है, अटलांटिक सिटी जैसा नहीं है, अटलांटिक सिटी से यहाँ पे ज्यादा एनर्जी नहीं दिख रही है, एक वाइब है तो सेम ना, मतलब अटलांटिक अच्छा सिटी से तो बहुत अच्छा है यार ये, कंपेयर नहीं कर रहा, मतलब वैसा ही होता है हर, मतलब यूएस की बीच वाली सिटी वैसा हाँ, पियर बनाई देते हैं, मतलब इस तरीके का पियर हर जगह पे दिख जाएगा। तो ये है सेंट मोनिका बीच, और ये जो बीच है ना ये अमेरिका की काफी फेमस बीच में से आती है। तो आज है ना काफी ठंड सी है यहाँ पे, उसके बावजूद भी देखो यहाँ पे कितने सारे लोग हैं जो घूम रहे हैं। अगर आप लोग यहाँ गर्मियों में आओगे ना तो ये आप लोगों को बीच है ना पूरी भरी हुई मिलेगी। तो यहाँ पे है जो लिखा हुआ है देखो, सेंट मोनिका पियर। तो यहाँ पे मैंने फोटो खिंचवाई थी, आज से शायद 3 साल हो गए हैं मेरे को इधर आए हुए। यहाँ पे देख लो आप फिशिंग भी कर सकते हो, बट फिशिंग के लिए लाइसेंस चाहिए। मैजिशियन खड़ा हुआ है जो मैजिक करके दिखा रहा है सब लोगों को। तो इस पे है ना पियर पे इसी तरीके से लोग अलग अलग तरीके की एक्टिविटी करते रहते हैं और आपका टाइम पास हो जाएगा। तो ये जो सेंट मोनिका का पियर है ना ये 100 साल से भी पुराना है, 1909 में ये यहाँ पे बनाया गया था। तो देख लो यार तभी ये इतना ज्यादा फेमस है कि हर मूवी वगैरह में दिखता है। तो अगर आप लोग ये एलए सेंट मोनिका पे आ रहे हो ना तो सबसे अच्छा ट्रैवल करने के लिए है कि आप यहाँ पे बाइक है ना रेंट पे ले लो और तब ट्रैवल करो। तो अलग से स्पेशल इन्होंने बाइक लाइन बनाई हुई है ग्रीन वाली, तो ये आप आराम से चलाते रहो, काफी सेफ है। जैसे अभी देखो ये लड़की यहाँ पे स्केटिंग कर रही है। तो अब टाइम आ गया है सेंट मोनिका को छोड़ के हम लोग जा रहे हैं यहाँ से हॉलीवुड स्ट्रीट में। और अगर आप लोग को याद होगा हॉलीवुड स्ट्रीट में क्या है कि ज़मीन पे है ना स्टार्स के नाम लिखे हुए हैं और वहाँ से एक हॉलीवुड का साइन भी है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जो हॉलीवुड साइन है ना उसके ऊपर तक जाएँ। मेरा तो बहुत ज़्यादा मन है बट भाई है ना बहुत जल्दी थक जाते हैं, और अभी भी देखो कितना धीरे धीरे चल रहे हैं, धीरे धीरे आराम से इन्जॉय। भाई पता है मेरी वीडियो के नीचे जो कमेंट आते हैं ना वो ये बोलते हैं कि भाई इतना थके क्यों रहते हैं, इनको बोल रहे हैं कुछ ताकत की चीजें दी जाएं। कभी भी एलए में आ रहे हो ना तो एक चीज का ध्यान रखना, मत भाई कह रहे मत आना भाई, हम लोग यहाँ पे ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, धीरे धीरे चली जा रहे हैं पिछले आधे घंटे से। मतलब 4-5 किलोमीटर का जो रोड है ना वो 40-50 मिनट में पार हो रहा है। तो सोच लो कि इस तरीके की रहते हैं फुल, वो दूसरा रोड भी फुल है, जाने वाला भी फुल है। और जितना हम लोग एलए की पास में जाते जाएंगे ना ये उतना ही ट्रैफिक बढ़ता जाएगा। बेस्ट टाइम है कि भैया रात को आओ 12-1 बजे के बाद और कहीं पार्किंग ढूंढ लो और फिर बस वगैरह से ट्रैवल करो। और यहाँ पे पार्किंग का भी बहुत बड़ा इशू है। एक बार ये लगाता हूँ ना तो कम से कम 2-3 दिन है ना उस शर्ट में से ना खुशबू नहीं जाती, बहुत जबरदस्त है ये, तो ट्राई करना। हम लोग पहुंच गए हैं हॉलीवुड में, तो यहाँ से ना 1 मिनट की वॉक है हॉलीवुड स्ट्रीट की, तो हम लोगों ने लगा दी है पार्किंग। तो यहाँ से है ना जो हॉलीवुड की स्ट्रीट है स्टार्ट होती है, तो यहाँ लिखा हुआ हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम। तो ये यहाँ पे इन्होंने कुछ स्टैचू बनाए हुए हैं और इधर भी हॉलीवुड लिखा हुआ है और साइन है हॉलीवुड का। हम लोग है ना आप लोग को प्रॉपर मेन वो वाली लोकेशन दिखाएंगे जहाँ पे ऊपर पहाड़ के ऊपर साइन लिखा हुआ है ना हॉलीवुड, वहाँ तक हम लोग जाएंगे। तो यहीं से ही देखो जमीन पे है ना सबके जो भी जितने भी बड़े बड़े स्टार्स हैं उनके नाम है ना लिखे हुए यहाँ से चालू हो जाते हैं। रात को आऊंगा इनकी टाइल निकालूंगा और अपनी टाइल चिपका दूंगा। अच्छा तो ये भाई का वैसे अच्छा आइडिया है वैसे, लिख गया ये बंदा अपना। हाँ इस बंदे ने अपना लिख दिया किसी ने, तो देख लो यार ज्यादा जरूरी नहीं है वैसे ही लिखना है, लोग अपना ऐसे भी लिख जाते हैं। तो ये है वो मेन एरिया जहाँ से रियल वॉक ऑफ फेम जो है स्टार्ट होती है। तो ये है हॉलीवुड का वैक्स म्यूजियम, ये अभी दुनिया में बहुत जगह पे खुला हुआ है पर है वैक्स म्यूजियम। तो इसके अंदर मैं चल के यहाँ पे दिखाता हूँ आप लोगों को द रॉक। तो यहाँ से अंदर जाने के लिए म्यूजियम के अंदर टिकट लगती है, वो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ अगर टिकट कितने की लग रही है। तो यहाँ पे है $32 की। इसका क्रेज था ना भाई बहुत पहले होता था, बट अब है ना आजकल क्या किया है हर जगह पे ये खोल दिए हैं, तो फिर लोग जब ज्यादा चीज खुल जाती है ना तो फिर उसमें मजा नहीं आता, वैल्यू कम हो जाती है। बट अगर आप लोगों ने कभी नहीं देखा और फर्स्ट टाइम देखना है तो बुरी चीज नहीं है। तो यहाँ पे देखो हॉलीवुड का साइन है, फ्री फोटो आफ्टर एंट्री, अगर आप लोग इसमें एंट्री लेते हो ना तो यहाँ पे आगे आप फ्री फोटो खिंचवा सकते हो। वो लड़की खड़ी हुई है वो फोटो भी नहीं लेने दे रहे हैं, तो यार कैसा माहौल हो चुका है, बिना पैसों के आजकल कुछ नहीं होता। बुर्शली,
तो बुर्ज खलीफा को तो यार कौन नहीं जानता है, तो देख लो यहाँ पे उनका नाम है। तो यहाँ पे ऐसे है ना, सबके नाम लिखे हुए हैं और लोग इनपे ना वॉक कर रहे हैं। अभी यहाँ पे आगे जाके ना कुछ स्पेशल मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये आ गई है यहाँ की मेन लोकेशन, चाइना थिएटर, और ये काफी पुराना है थिएटर, आप लोग इसके अंदर भी जा सकते हैं, टिकट लगती है इसके अंदर जाने की। मैं काफी देर से यहाँ पे नाम वगैरह देख रहा हूँ, मुझे आइडिया नहीं है कि यहाँ पे इंडियन किसी बंदे का नाम लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। अगर आप लोगों में से किसी को भी पता है कि कहाँ इंडियन बंदे का नाम लिखा है तो मुझे जरूर बताना। अभी तक मैंने यहाँ से देखता हुआ आ रहा था चाइना थिएटर तक, अब हम लोग इस तरफ को वॉक कर रहे हैं। यार ये बंदा देखो मिट्टी से क्या सही आर्ट बना रहा है, उस बंदे की फोटो है उसकी बना रहा है ये। तो यहाँ पे ना मेरे पीछे काफी सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, अगर आप लोग चलाना चाहते हैं तो चलाने नहीं देंगे, सिर्फ ये कह रहे हैं कि कोई और बंदा चलाएगा, आप साथ में बैठोगे। ये वाली जो गाड़ी है 6 माइल का एक राउंड देंगे जो कि $89 होगा। तो हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग किसी रेस ट्रैक पे जाके ना हम लोग खुद गाड़ी चलाएंगे। यहाँ पे चलते चलते मेरे को यहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प का भी साइन दिख गया है, ये लिखा हुआ डोनाल्ड ट्रम्प। कुछ लोग बोलेंगे हंस क्यों रहे हो, क्योंकि भाई डोनाल्ड ट्रम्प की जो स्पीच होती है ना हमेशा ऐसी होती है, जब भी देते हैं ना तो कोई ना कोई यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है अमेरिका के अंदर। ये टिकटॉक की वीडियो बन रही है भाई, मैं डर गया एकदम से, जैसे मैंने मुंह पर उठाया मैं कहीं ये क्या चल रहा है, टिकटॉक की वीडियो चल रही है, ड्रग ले ली। से ना यहाँ पे इतने सारे स्टार्स के नाम लिखे हुए हैं कि आप ना बंदे ना देखते ही नहीं है, नीचे की तरफ चलते रहते हैं। रीजन ये है कि इन्होंने ना स्ट्रीट एक तो इतनी लंबी कर दी है नाम लिखने वाली, पहले एक ही एरिया में होते थे नाम, इतनी लंबी कर दी है कि यार लोगों ने ना इसको इग्नोर ही करना चालू कर दिया, अब सीधा चलते रहते हैं। अब ये देखो लोग सीधा चल रहे हैं, कोई नहीं देख रहा, सबका जो फेस है आगे की तरफ है। तो अभी यहीं पे ना मैकडोनल्ड था, हम लोग आ गए मैकडोनल्ड में कॉफी पीने के लिए दोबारा, जो हम लोगों ने स्टारबक्स से पी थी ना वही कॉफी है, थोड़ा सा हमने उसको है ना अपनी तरफ से कस्टमाइज कराया है कि एक्स्ट्रा सिरप वगैरह डलवाया है जिससे कि वो टेस्ट आता है। तो मैकडोनल्ड की जो कॉफी है ना इसका साइज भी थोड़ा बड़ा है उससे, और इसका टेस्ट लाख गुना अच्छा है, और प्राइस है लगा लो 3 गुना ज़्यादा कम है। अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पे गिफ्ट शॉप में, तो यहाँ पे ना हर तरीके के आपको गिफ्ट आइटम मिल जाएंगे, जैसे कि टी शर्ट से लेके कोई भी, जैसे वो अवार्ड्स मिलते हैं ना ऑस्कर अवार्ड्स, वो भी है वहाँ पे। अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं हॉलीवुड का साइन देखने के लिए। पहले हम लोग सोचे थे यहाँ से बस वगैरह पकड़ के जाएंगे, बट है ना अभी बच गए 4 बजे का टाइम, तो थोड़ी देर में ना रात हो जाएगी और रात में हम लोग आपको दिखाना नहीं चाहते हैं। एलए में है ना एक और चीज जो बहुत फेमस है वो है ये पाम ट्रीज। ये देखो यार कितने लंबे हैं, और ये पाम ट्रीज की ना हाइट 100 फीट तक चली जाती है यहाँ पर। अभी हम लोग जहाँ से ड्राइव कर रहे हैं ना ये काफी एक्सपेंसिव एरिया है, और यहाँ से ना आप लोग को हॉलीवुड का साइन दिखेगा सामने। अभी हम लोगों ने ना पूरा वहाँ नीचे से ना ऊपर तक ड्राइव किया है 15 मिनट भैया, इतनी पतला सा रोड था, बड़ी खतरनाक ड्राइव थी, तो हम लोगों ने उस टाइम वीडियो नहीं बनाई क्योंकि सारा ध्यान रोड के ऊपर था। तो अभी हम लोग आ गए हैं, और ये देखो कितना स्टीप है, इसी तरीके से ऊपर आए हैं, और यहाँ पर है हॉलीवुड का साइन। तो यहाँ से है ना लोग वॉक करके उधर ऊपर तक जाते हैं, तो रास्ता शायद इन्होंने कहीं से बनाया हुआ है। तो अभी हम लोग पूछे थे यहाँ पे एक भाई साहब से, वो कह रहे थे आने जाने में कम से कम 1.5 घंटा लग जाएगा आपको। ये जो साइन है ना इसकी एक स्टोरी है कि ये साइन यहाँ पे क्यों लगाया था। तो पहले यहाँ पे लिखा होता था हॉलीवुड लैंड, तो यहाँ पे है ना जो रियल इस्टेट था ना उसको प्रमोट करने के लिए लगाया गया था, बट ये एरिया इतना ज्यादा फेमस हो गया कि वो लैंड तो अभी हटा दिया गया है, हॉलीवुड रह गया है। और ये किया था इन्होंने 1923 में, तो ऑलमोस्ट 100 साल हो गए हैं, 100 सालों से ये नाम यहाँ पर है। और देख लो कितने सारे लोग आते हैं, इधर से ज्यादा लोग आते हैं। एक और लोकेशन है जो मैंने 3 साल पहले वीडियो में बनाई थी, आप लोग वो देख सकते हैं, वहां से भी बहुत अच्छा नजारा दिखता है। जो आप एरिया देख रहे हो ना ये एरिया बहुत ही एक्सपेंसिव एरिया है, और ये यहाँ पे भी है ना हॉलीवुड के स्टार्स रहते हैं। ये नहीं है कि पर्टिकुलर हॉलीवुड के स्टार एक ही एरिया में रहते हैं, वो अलग अलग जगहों पे रहते हैं। यहाँ पे कोई $100 मिलियन का घर भी बिका है। यहाँ पे एक रियल इस्टेट सेल हुई थी जो 800 करोड़ रुपए की थी भाई, सोचो $100 मिलियन। 22 मिनट का जाम, 27 मिनट है ना। तो यही है अमेरिका में जितने लोग भी आते हैं ना, जैसे इंडिया से आ रहे हैं आसपास की कंट्रियों से, तो उनका ड्रीम होता है या तो न्यूयॉर्क में रहना या एलए, सैन फ्रांसिस्को, शिकागो, आजकल डेलस भी काफी ज्यादा मशहूर हो रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे ट्रैफिक जो लगा हुआ है ना वो इस वजह से लगा हुआ है कि दुनिया में से जहाँ से भी लोग आते हैं ना वो कहते हैं भाई ये यहाँ पे तो एक बार जरूर आना है। तो अभी है ना फिलहाल हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे, एक अमेजोन फ्रेश है
ये एक स्टोर है अमेजोन वालों का और यहाँ पे ना बड़ी ही डिफरेंट तरीके से शॉपिंग होती है, तो वो दिखाते हैं ना। हम लोग इस वाले डोर से अंदर आए हैं और यहाँ पे ना बड़ा ही अनोखा तरीका है बाय करने का। सबसे पहले आप लोग ये जो देख रहे हैं ना काले काले, ये इतने सारे हजारों कैमरे लगे हुए हैं स्टोर के अंदर है ना। जो कैमरे लगे हुए ना कैसे काम करते हैं, अब जैसे भाई के पास ये ट्रॉली है तो ये कैमरे है ना हमें स्कैन कर रहे हैं, अभी हमें देख रहे हैं कि हम लोग किस तरफ को जा रहे हैं। तो अब मान लो कि हमने ये एक ब्रेड उठा के यहाँ पे रख ली, भाई रख लेना एक ब्रेड। तो अब ये ब्रेड का जो कीमत है ना $6.90 है। तो ये जो कैमरे है ना ऊपर, इन्होंने ये स्कैन कर लिया कि हमारी ट्रॉली में आ गई है। ऐसी करके हम लोग यहाँ पे जितना सामान लेते जाएंगे ना तो ये स्कैन करते जा रहे हैं, और जैसे ही हम लोग काउंटर पे जाएंगे ना तो उनको पता होगा कि ये जो ट्रॉली है ना इसमें कितने आइटम हम लोगों ने रखे हैं। अच्छा यहाँ के है ना अगर मैं आप लोगों को प्राइस बताऊँ ना तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। जैसे अभी आप लोग जाते हैं ना वॉलमार्ट के अंदर और अगर आप लोग ये वाले टमाटर लेते हैं तो ये जो टमाटर है ना वहाँ पे मिलेंगे पाउंड के हिसाब से, आधा किलो का जो रेट होगा ना ऐसे होता है 99 सेंट्स। बट यहाँ पे है ना ईच है हर एक चीज का प्राइस। तो है ना वो वेट काउंट नहीं कर रहे कैमरा, कैमरा काउंट कर रहा है पर पीस। तो एक पीस उठाया, ये देखो एक पीस है 99 सेंट्स का। ये जो एक प्याज की कीमत है ना 85 रुपए है। अरे तो प्याज ले लेते है ना, एक 85 रुपए का एक प्याज यार। इंडिया में क्या रेट चल रहा है प्याज का बताना, बट यहाँ पे देख लो 85 रुपए है। ये वाला जो आइटम है ना यहाँ से देखो, यहाँ पे भी बारकोड लगाया हुआ है तो वो इसको भी स्कैन कर लेता है कि मेरा हाथ यहाँ से गया। तो देख लो जितने भी आइटम रखे हुए ना सब पे बारकोड है प्रॉपर। तो यहाँ से उठाया तो इस बारकोड को स्कैन कर लेगा या फिर इसको स्कैन कर लेगा जो उसके पीछे है। तो यहाँ पर अभी एग्स हैं, हम लोग यहाँ से एग ले रहे हैं। क्या प्राइस है भाई एग का? ब्राउन वाले तो ले लो फिर है। हाँ मैं प्राइम मेंबर हूँ इनका, ले लो। हाँ ले लो। तो ये देख लो मैंने ना इनकी प्राइम मेंबरशिप ली हुई है तो उसकी वजह से है ना मेरे को यहाँ पे $4.03 का पड़ रहा है, अदरवाइज $4.48 का है। यहाँ पे ना अमेजोन वालों ने अपना लोकर भी बनाए हुए हैं, अगर आप लोग जैसे कोई भी अपना अमेजोन से ऑर्डर करते हो ना तो यहाँ पे पिकअप कर सकते हो और यहाँ पे रिटर्न भी कर सकते हो। तो ये वाला बनाया हुआ है यहाँ पे। नो डाउट जो स्टोर बनाया हुआ है ना काफी अलग लुक है, बस एक ही चीज की प्रॉब्लम है कि थोड़ा महंगा है। बट फर्स्ट टाइम हमारा एक्सपीरियंस है तो हम लोगों ने सोचा यहाँ से ले लेते हैं थोड़ा सामान। तो यहाँ पे ना इन्होंने अपनी बेकरी बनाई हुई है तो ब्रेड वगैरह भी फ्रेश ही यहाँ पे बना रहे हैं। और यहाँ पे इन्होंने अमेजोन वालों ने ना कुछ स्वीट्स बनाई हुई हैं जो कि हम लोग ले रहे हैं। अभी ना हमने खाली यहाँ से लिया है, एक तो ये एग हो गया है और बनाना पुडिंग और ये क्या है भाई? पता नहीं कुछ नया था। चलो ठीक है, तो चीज़ केक है वो ले लिया है। और यहाँ पे ये डोनट्स वगैरह भी बना रहे हैं तो ये तो खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। और कॉफ़ी भी यहाँ पे सेल कर रहे हैं 199 की। और अगर आप लोग यहाँ से सामान जो भी ऑर्डर करते हो ना तो आप लोग यहाँ पे बैठ के खा सकते हो। इन्होंने पूरा रेस्टोरेंट भी बनाया हुआ है यार। और इसको है ना हम लोग स्कैन करके देखेंगे कि कैसे निकलते हैं। तो भाई अभी जैसे ही मैंने ना अपना बारकोड को वहाँ पे स्कैन किया था दोबारा, जो मैंने अंदर जाते समय किया था, तो ये ऑटोमेटिकली मेरे जो कार्ड से ना पैसे कट चुके हैं और हमें कोई भी रिसीट नहीं मिली है। तो अभी यहाँ पे एक मैडम थी जिन्होंने बोला है कि रिसीट है ना ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में पहुँच जाएगी। तो बड़ी अजीब सी सर्विस थी यार। तो अभी भाई यहाँ पे हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, अभी मैंने तो खा लिया, मेरे को तो बहुत ज्यादा मीठा लगा। वॉलमार्ट का ज्यादा बढ़िया, वॉलमार्ट का ज्यादा अच्छा है इससे। ये खा रहे हैं हम लोग, इसको बोलते हैं बनाना पुडिंग। इसके अंदर केले डले हुए हैं और थोड़ा सा ब्रेड का क्रम है और थोड़ा इन्होंने ऊपर से चीज लगा दिया है। तो ये था मेरा अमेजोन स्टोर का एक्सपीरियंस। तो इसी के साथ है ना इस वीडियो को मैं यहीं पर ही खत्म करता हूँ।